गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम योर ज्योति मैम, योर आर्ट टीचर। कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपको पता है मैम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कराने वाली है। क्या कराने वाली है मैम आपको? मैम आज आपको ब्राउन कलर इंट्रोड्यूस कराएंगी। ब्राउन कलर कैसा कलर होता है पता है आपको? आपने चॉकलेट खाई है, देखा ना, ब्लैक कलर से थोड़ा सा ब्राइट होता है। और हॉर्स देखे आपने? हॉर्स भी ब्राउन होते हैं, मिट्टी भी ब्राउन होती है। और आज हम जो करने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है, वो है टेडी बेयर। आपको बेयर अच्छे लगते हैं ना? सॉफ्ट टॉयज होते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ टेडी बेयर का फेस कैसे बनाते हैं। पेंसिल यूज नहीं करनी है आपको, स्केच पेन्स भी यूज नहीं करने हैं। अब आप क्या करोगे, मम्मा आपको ड्राइंग करके देंगी और फिर आप उसमें कलरिंग करोगे। अब ड्राइंग कैसे करनी है मम्मा, आप ध्यान से देखो। ओके, सबसे पहले एक व्हाइट पेपर लेना है और एक ब्लैक स्केच पेन लेना है। जब ब्लैक स्केच पेन लोगे आप, तो आपको एक प्लेट यूज करनी है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अच्छे से ड्राइंग नहीं कर पाते हो। तो आपको क्या करना है, सेंटर में प्लेट को ऐसे रखना है और ऐसे सर्कल बनाना है। इजी है, पोस्टर ले सकते हो। और ईयर्स बनाने के लिए आपको ऊपर से ऐसे सेमी सर्कल में ड्राइंग करनी है। उसके बाद आपको सेंटर में भी ऐसे एक कर्व लेना है और आपको यहां सेंटर में भी एक और सर्कल बनाना है। और ये हमारी टू आईज, आईज के अंदर मम्मा आपको स्लीपिंग लाइन ऐसे बना के देंगी। उसके बाद यहां पर हमें एक ट्रायंगुलर नोज बनानी है, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो इतनी ड्रॉइंग मम्मा आपको करके दे देंगी, फिर आपको कलरिंग शुरू करनी है। आपको मैम आज कौन सा कलर कराने वाली है? मैम आज आपको ब्राउन कलर कराएंगी। बट क्या होता है, कभी कोई लाइट ब्राउन होता है, कभी डार्क ब्राउन होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ब्राउन है। तो आप क्या करोगे, आज टू शेड्स यूज करोगे ब्राउन के, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल एक ही कलर है ब्राउन का, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। बट परेशान नहीं होना है कि मेरे पास तो टू शेड्स है ही नहीं, आप सिंगल कलर भी यूज कर सकते हो। अब क्या करना है, हम पूरे बेयर के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखो, जब हम कलरिंग करते हैं, पहले मैम आपको जो समझा रही है वो सुनना है। आपको वन डायरेक्शन फॉलो करनी है। वन डायरेक्शन मतलब आपको एक ही डायरेक्शन में कलर करना है। डू इट लाइक दिस, डोंट चेंज द डायरेक्शन। कभी ऐसे करके ऐसे 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 नहीं करना, ये रॉन्ग वे है। ओके, आपको वन डायरेक्शन में ही कलरिंग करनी है, ठीक है। कलरिंग का जो पहला रूल है, हमेशा आपको वन डायरेक्शन में कलरिंग करनी है। दूसरा, जब आप कलरिंग करोगे तो कोशिश करनी है जो मम्मा ने ब्लैक आउटलाइन बनाई है ना, उसके अंदर अंदर ही कलरिंग करनी है, आपको बाहर नहीं निकालना है। जैसे कि ये ड्रॉइंग है, आपको इसके अंदर अंदर कलरिंग करनी है ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मैंने कोई ड्रॉइंग करी थी और मैंने मम्मा को देख रही हूँ मम्मा क्या कर रही है, और मैंने ऐसे 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 कलरिंग कर दी, मम्मा को देख रही हूँ मैं कलरिंग यहाँ कर रही हूँ, ये तो बाहर निकल गया, ये अच्छा लग रहा है? नो, अच्छा नहीं लग रहा, ये भी रॉन्ग हो गया, ये ज्योति मैम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, जब आप कलरिंग करोगे तो लाइंस के अंदर अंदर करना, बहुत ध्यान से, कहीं और नहीं देखना, बस यही देखना है, ठीक है। और थर्ड रूल है ड्रॉइंग कलरिंग का, कि आपको जो ये कलरिंग है इसमें व्हाइट व्हाइट नहीं छोड़ना, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, थोड़ा यहां कर दिया, थोड़ा यहां कर दिया, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां, हो गई कलरिंग, ऐसे नहीं करना है। डोंट लीव द व्हाइट स्पेस, सारे के सारे जितना व्हाइट पार्ट है उसको अच्छे से फिल कर दो। आप बताओ, अब ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा, क्या हुआ, पूरा फिल करके अच्छा लग रहा है ना, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, जो अंदर वाले पार्ट्स हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, यहां पर आप लाइट ब्राउन फिल करोगे,
और बाहर बाहर डार्क ब्राउन, ठीक है। और जो बेयर की आईज हैं उसमें भी आप क्या करोगे, देखो हमारी आईज जो होती है ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना, तो हम अपने बेयर की जो आईज हैं वो भी लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन बना सकते हैं। बट मैं हाफ आई व्हाइट बनाने वाली हूँ और हाफ ब्राउन। और अगर आप चाहो आपको ब्राउन आईज अच्छी नहीं लग रही है तो आप ब्लैक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको पूरा बेयर डार्क ब्राउन से फिल करना है, अंदर वाला पार्ट लाइट ब्राउन से फिल करना है, ये वाला पार्ट भी लाइट ब्राउन से फिल करना है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, कर रहे आप भी करो मैम के साथ। तो आपने देखा मैम ने कलरिंग खत्म कर ली है, अच्छी गई है ना मैम ने कलरिंग, आपको अच्छा लग रहा है मैम का टेडी बियर। अब आपको क्या करना है, कलरिंग करने के बाद मैम ने आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी ना, आपको अपनी ड्राइंग पर नहीं करना है, ये बस मैम ने आपको सिखाने के लिए किया था। अब आपको क्या करना है, कलरिंग करने के बाद आपको येलो कलर या फिर आपके पास जो भी कलर है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ज्योति मैम को येलो कलर बहुत पसंद है तो मैम ने ये लिया है, आप अपनी चॉइस से कोई भी कलर ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, कलर को जब छोटा कलर होगा ना उसको ऐसे रखना है शीट पर, ध्यान से देखो जैसे हम सो जाते हैं, और उसको लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट आपको करना है, ठीक है। इस कलरिंग को क्या कहते हैं पता है, इस कलरिंग को बोलते हैं फ्लैट कलरिंग। कौन सी कलरिंग, फ्लैट कलरिंग। आपको पूरा बैकग्राउंड फ्लैट कलरिंग से फिल करना है, ठीक है। तो अब मैम की ब्राउन कलर ड्राइंग एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। आपको भी घर में ऐसे ब्यूटीफुल कलरिंग करनी है, पिक्चर क्लिक करनी है और अपनी मैम्स को शेयर करना है। आपको मजा आया एक्टिविटी करके, ज्योति मैम को तो बहुत मजा आया, थोड़ा सा हैंड्स में पेन हो रहा होगा ना इतनी बड़ी कलरिंग करिए। अगर आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी कलरिंग नहीं कर पाओगे तो पहले थोड़ी देर थोड़ी सी कलरिंग कर लो और शीट को रख दो, ठीक है, उसके बाद में दोबारा शुरू कर दो। बट वन टाइम में पूरा खराब नहीं करना है, ब्यूटीफुल कलरिंग करनी है और ज्योति मैम को भी पिक्चर शेयर करनी है। ओके बाय बाय। अगर आप चाहो तो देखो मैम ने कैसे कटिंग करी है ना इस टेडी बियर की, आप ऐसे कट करके इलास्टिक लगा के एक मास्क भी बना सकते हो।